मां से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है तो कौन है? मां से भी बड़ा होना चाहिए, कौन है? एक ही शब्द आते हैं, देव भी नहीं। मां से बड़ा कौन है? यानी गुरु ही होते। क्यों? मां तो स्वर्ग से हमको धरती पर लाते हैं, मां तो स्वर्ग से हमको धरती पर लाते हैं। मां कभी किसी को मोक्ष नहीं दिलाते, परंतु स्त्रियों को संसार से मुक्त करने वाले गुरु होते हैं। इसीलिए मां से भी बड़ा इस दुनिया में गुरु होते हैं, गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई। इसलिए गुरु गोविंद धोनी करे को ना लाभ उपाय, कबीर दास ने कहा एक ही समय में गुरु देव, एक ही समय आ गया तो हम पहले देव को नहीं गुरु का नमस्कार करते। क्यों? अब परमात्मा का दर्जे भी गुरु के दिया है बहुत। इसीलिए भारत बने विश्व गुरु, क्या संदेश है अगर अभी भारत बने इंडिया नहीं, भारत बने विश्व गुरु। मम्मी नहीं, माँ का संस्कृति हमारा भारत। मम्मी के पेट से कभी कीर्तन करता जन्म नहीं हो सकता, सुन लिया? मम्मी का हाथ होता है क्या बोल डेड बॉडी, जीते जीते डेड बॉडी बोल रहे हैं, और वक्त में क्या होगा? हाँ पापा, पांच पाप का समूह पापा, डैडी बोलते उसको। मम्मी को सुरक्षित करने के लिए जो बॉक्स रहते हैं उसको डैडी बोलते हैं। क्या चल रहे हैं? ये मां हमारा संस्कृति है, मम्मी नहीं। इसीलिए उस दुनिया में मां का स्थान भारत को दिया जाता है। क्यों? भारत आदर्श बने, आदर्श रहे, आदर्श रहेगा, आदर्श थे भरत से। इसीलिए घर में रहकर भी भरत जैसा जीवन जिएंगे। कब? जब आप कुंती सागर जी का ग्रंथ भागवत के पथ प्रदर्शनी पढ़ेंगे, उस समय आप घर में रहकर भी भरत जैसे जीवन जिएंगे। भरत कैसे थे? भरत कैसे थे? सुनो सुनो, ये बता रहा हूं। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 साल तप करना पड़ा। महावीर भगवान को 12 साल, बाहुबली को 12 माह, और भरत को 1 दिन भी नहीं। सुनो, परिग्रह किसका झाला थे? परिग्रह किसका झाला थे? सुनो, चिंतन करो। पुरुषार्थ, अगर पुण्य का उदय दोनों मिल गया तो आत्मा अंतर्मूर्त में परमात्मा बन सकता है, अंतर्मूर्त में। ऐसे आगम ने कहा है, भरत भगवान जब मणि दीक्षा ली, पीछे भी नहीं कमंडल भी नहीं, आर भी नहीं, विहार भी नहीं, निहार भी। देखो क्या चीज है, भद्रगिरी में बद्रेश भगवान का मूर्ति मिले हैं भूगर्भ से। भारत में पहली बार अब तक हजारों मूर्ति मिले हैं, परंतु भरत भगवान का मूर्ति अब तक किधर भी नहीं मिले। भद्रगिरी भूगर्भ से भरत भगवान मिले हैं, ऐसे साक्षर सुंदर मूर्ति है। आए थे उधर बेनारे गुरु जी, रतन वाले बेनारे गुरु जी आए थे। हमारा समाज का दुर्भाग्य, एक कोरोना का काल में एक अनमोल रत्न भी हम खो गए। बहुत ज्ञानी, बहुत संयमी और गृहस्थ अवस्था में रहकर भी इतने परिणाम अच्छा उन्होंने रखे थे। छोटे छोटे बच्चे भी जय जिनेन्द्र कहा करने के बाद हाथ जोड़ के हसन लगे जय जिनेन्द्र। हाँ, ये आनंद का अनुभव ले लो। जीवन में क्या लेना है, क्या देना है, क्या लेके जाना है, दुनिया में कुछ भी हमारे साथ नहीं आएंगे। भगवान को देखने के बाद, इतना तो मंदिर के आने के बाद लेकर जाओ, भगवान कैसे हसन मुखी है, ऐसे हंसते हंसते आनंद में जीवन जिया करो। ये जीवन का सार्थकता है क्या करने का। और बेनारे गुरु जी आए थे, मैंने सहज पूछा, बेनारे जी बताओ कौन सा भगवान का प्रतिबिंब है भूगर्भ में मिले?
ये भगवान कौन सा भगवान है बताओ। 15 मिनट समय लिया उन्होंने, कितने मिनट? 15 मिनट। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, नाम भी बताते रहे, आदिनाथ भगवान का, मिश्रत नाथ भगवान का, कुछ कुछ बता। फिर भी 15 मिनट होने के बाद भी उनके मुंह से भरत का नाम आया ही नहीं। कुंद कुंद भगवान का हो सकता है, भद्रभाव का भी हो सकता है, ऐसे ऐसे बोल पड़े। नहीं नहीं बोलते रहे, अंत में पूछा बोले आप ही मुझे समझा के बताओ कौन सा होते हैं। मैंने बोल दिया भरत भगवान। हाँ हम पहली बार सुने भरत भगवान बोले, हम कैसे समझेंगे भरत भगवान, कैसे निर्णय लेंगे भरत भगवान, इसका प्रमाण क्या है? और तो ज्ञानी थे, मैंने कहा आप तो निहारे हैं मूर्ति को, समीप दृष्टि से निहार। देखो ये मूर्ति का क्या लक्षण है। पहला लक्षण है इस मूर्ति का चिन्ह नहीं है। तीर्थंकर का मूर्ति है तो नियम से चिन्ह होता है। एक एक मूर्ति का चिन्ह भी नहीं, हम आदिनाथ को कहते हैं। इसका कारण उसके भुज पर केस राशि हुआ तो, बाल हुआ तो उसको आदिनाथ भी कहते हैं। परंतु इस मूर्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण चिन्ह नहीं और श्रीवत्स भी नहीं, इसका अर्थ और तीर्थंकर का प्रतिमा तो नहीं, और इसका जो खड़े रहने का जो स्टाइल है, क्या बोलते हैं तरीका है, वो मल्ल जैसा है। मल्ल मीन्स समझते ना, कुश्ती पहलवान, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, तीन युद्ध भरत बहुबल के बीच में है। मल्ल युद्ध बोलते, मल्ल युद्ध मीन्स कुश्ती, कुश्ती पहलवान बोलते हैं, कुश्ती खेलते हैं ना वो, मल्ल युद्ध, मल्ल मल्ल जैसा उसका रहने का कड़े होने का स्टाइल है, तरीका। अभी आप देखते हैं देशभूषण कुलभूषण भगवान के प्रतिमा में गजब का बोलते हैं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, इतने देखने के बाद भी आपको तृप्ति नहीं हो। बोलते ना तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, ये क्या चीज है, देखते रहो। मैं तो संकल्प लिया था, संकल्प किया था, संत का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता, इसका साक्षी मैं जीवन आपके सामने हूं। दिगंबर मुनि धर्म को निभाया, स्टार्ट किया, प्रथम चरण यज्ञ में रखा, प्रथम आहार उधर लिया, प्रथम अनुशय तप उधर ही किया। उनका 100 साल पूर्व वे 2020 में 1920 में उन्होंने दिगंबर दीक्षा लिए थे यज्ञ में, 2020 में 100 साल पूर्ण हो गए। इसके निमित्त से आचार्य वर्धमान सागर भी दीक्षा शताब्दी के निमित्त हम संकल्प लिया था 108 मंडलों और 1008 शांति सागर जी का प्रतिमा निर्माण करके घर घर में शांति सागर होना चाहिए। विद्यानंद गुरुदेव शिक्षा गुरु विद्यानंद गुरुदेव का संदेश थे, घर घर में हो शांति सागर, हर मन में हो शांति सागर। ये संदेश लेके हम प्रतिमा निर्माण किया, हर सोकिस्ट में घर में शांति सागर का स्टेच्यू रहे, बच्चे को लगे कि शांति सागर दिन से हम अभी दिगंबर जैन परंपरा रहे हैं। 100 बनाया, संकल्प किया आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी सबको देना है, भविष्य में दीक्षा दे तो ये जीवन साधु के हाथ में जाना चाहिए। एकदम से उन्हीं परंपरा शुरू हुए, एक इतिहास रहे, ऐसे भावना करके हमने दिए कि अच्छा पिंची हम स्वयं निर्माण किया था। वो पिंची कुंतलगिरी में जब हम 4 दिवस रहे, 27 दिसंबर को जब आए, उस समय
एक तारीख जनवरी फर्स्ट को उधर से मेहमान निकले ने संकल्प किया था, 3-4 दिवस उधर रहे, 3 दिवस भगवान का अभिषेक शानदार किया, करते वक्त 3 दिवस पिंची भगवान के सामने रख के मैंने भाव किया था आचार्य का नाम लेके। क्या भाव दिया था? हे पिंची आचार्य से जब दीक्षा लिया उधर निर्माण किया, उनका किधर समाधि हो गया उधर संस्कार किया, हे पिंची आचार्य भगवान के श्री चरण में हाथ में जाना चाहिए। भाव के भाव करके ऐसे जाग उठे, आपको मालूम है ना, अभी तो बोल रहे थे हमको नहीं देश नहीं वर्ल्ड में ये सब व्यापी हो गए। हमने पूछा था किसी भैया जी को, श्रावक को, मुनिवर को, मेरा भाव है मैं गंगा और पिंच आचार्य को देने। सभी ने कहा आचार्य से बार बार पिंची नहीं बदलते, चौमासा हुए हैं पिंची का परिवर्तन कार्यक्रम हो चुके हैं, आचार्य से बार बार नहीं बदलते, ठेके तो नहीं ले सकते। मेरे भाव में थे बहुत भक्ति से निर्माण किया था, परंतु जब उधर से निकले का मेरा भाव हुआ उस समय गुरु के चरणों में रहकर वैयावृत्ति के बाद गुरु के सानिध्य में चरण में बैठकर कैसे बुद्ध बुद्ध भगवान जैसे श्रीमंदर प्रभु के सानिध्य में एक क्षेत्र में बैठ के श्रीमंदर प्रभु का भक्ति किया था, ऐसे मेरा सौभाग्य पश्चिम काल में 21वीं शताब्दी क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी में 21वें साल में आचार्य गोगोई विद्यासागर के पावन चरणों में बैठ कर हमने कन्नड़ भाषा में स्वयं लिखे हुए गुरु महिमा भक्ति गा रहे थे। गाते गाते इतने आनंद आंसू आ गए, आंसू आते रहे, जब भक्ति हो गया गुरु का दर्शन किया और सच बोल दिया वो पिंची दे दो भाई, तनाव लिया गुरुदेव को, गुरुदेव ये पिंची आप स्वीकार करो कुछ क्या हुआ, गुरुदेव हाथ आगे लिया और पिंची पकड़ लिया, स्मरण करते दर्शन करके ऐसे आंखें खुल गए। आंखें देखने के बाद आंखें खुलने के बाद देखता हूं और गजब हो रहा है, क्या मेरा तो पिंची ले लिया रख लिया और उनका जो पुराना पिंची थे वो पिंची उठा के मुझे दे दिया। अब सुन रहा हूं 55 साल में आचार्य भगवान अब तक किसी संघ के आचार्य को अब तक कभी भी पिंची नहीं दिया, ये मेरा तो परम सौभाग्य है। संकल्प लिया था भद्रगिरी से, जब हम निकले भद्रगिरी से नेमावर ऐसे संकल्प लिया और पीछे निकल गए, निकले के श्रावक को बता दिया गुरु वंदना से तीर्थ वंदना कृष्णा से नर्मदा। क्या देखो संकल्प लिया था 54 डेज में अंदाज आचार्य के चरणों में जाएंगे भद्रगिरी को, भावते 9 डेज में हम आ गए कुंतलगिरी 300 किलोमीटर गजब का काम, 50-50 किलोमीटर 45 किलोमीटर 36 किलोमीटर हर दिन चलते रहे चलते रहे, पांव पड़ गए चलो 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 पूरी का कहीं पूछना है सुनो अरे गजब का काम है। मुझे भी मालूम है कुंतलगिरी में 9 दिन में आ सकते तो अभी 27 दिन में हम जा सकते हैं, उधर भी संकल्प लिया हम अभी 36 दिन में आचार्य के गुरु चरणों में जाना ही है, ऐसा संकल्प लिया। 108 पिंची 108 कमंडलू संकेत थे और चिंतन भी किया मेरा 36 गुण आचार्य परमेश जी विद्यासागर जी का 36 गुण और 33 दिन तीनी मिला के 108 होता है। आगे
बन गिरे, दो दिन जालना रहे, दो दिन खरना रहे, एक दिन खंडिया रहे, बीच में नौ दिन तो गए। वो पकड़ के भी 36 दिन में गुरुवर के चौड़े में हमारे गुरु का कृपा प्रधान का आशीर्वाद होते हो सकते हैं। दुनिया ने इसे कभी नहीं गढ़ा, गत्र क्या पन्न होता है, आश्चर्य। एक बूंद भी रक्त बाहर निकला, भूल शरीर का कुछ भी नहीं हुआ। पाव तो देखने के बाद लगते थे बच्चे के पाव जैसे, क्यों ये महिमा होते हैं मुझे नहीं मालूम है। पंचम काल में ऐसे ऐसे अक्षय अभी नहीं कर सकते, ये सच है। ऐसे इसलिए कहा है, घर में रहकर भी परत जैसा जीवन जिया करो, भाव शुद्धि से करो। हाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, भरत जी को दीक्षा लेने के बाद क्या ये किया, बिना रे गुरु जी पूछ रहे गुरु देव कैसे हम समझेंगे भरत भगवान का। हम बोल दिया मल्ल जैसा है, कुंतलगिर के लिए सब आ गए, कुंतलगिर विषय आ गए इसलिए सब आ गए, नहीं तो रहते थे। देखो मल्ल जैसा, मल्ल मीन्स पहलवान जैसा स्टैचू, और क्या थोड़ा गिड्ड, गिड्ड क्या बोलते हैं, ये होता हाँ गिड्ड, गिड्ड बोलते हैं, हाइट में थोड़ा कम रहते हैं वो गिड्ड बोलते हैं, गिड्ड रहने दो, मैं भी गिड्डा हूँ क्या, आचार्य कुंभ गुरु भी गिड्डा थे। हाँ देखो गिड्डा है, इसका अर्थ वो आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान के चिंतन किया तो बाहुबली भगवान का हाइट 525 धनुष, इसके हिसाब से बाहुबली से थोड़ा गिड्ड भरत जी थे। और गिड्ड जैसा और खैमान जैसा और एक विशेषता, पीछे कमंडलू नहीं, पीछे कमंडलू तो किसी आचार्य को मुनि को बोल सकते थे, कम कम कोई भद्रभाव कोई बोल सकते, पीछे भी नहीं कमंडलू भी नहीं। सबके विशेष एक विशेषता, उस मूर्ति को सिर के ऊपर बाल नहीं, सिर के ऊपर बाल ही नहीं, कैसी नहीं, क्यों भरत जब दीक्षा लिया केश सोचन करने के बाद नहीं पिछे लिया, नहीं कमंडल लिया, नहीं आर्त गया, नहीं विहार किया, नहीं निहार किया, अंतर्मुख में वो भगवान बन गए, केवली बन गए। बताओ परिग्रह किसका ज्यादा थे, देखो भरत तो शतकर्ण का चक्रवर्ती, आदिनाथ तो अयोध्या का राजा, बाहुबली तो पंढरपुर का राजा, भरत तो शतकर्ण का अधिपति, महावीर तो कुंडलपुर का युवराज, राजा भी नहीं। इसको 12 साल 12 माह और 1000 साल लगे भरत जी को अंतर्मुख परिग्रह जाता हुए ज्यादा होते हुए भी। कारण क्या है, वेग ज्ञान वितराग विज्ञान, घर में रहकर भी भरत रहे वैराजी, इतने भाव शुद्धि में ध्यान किया उसका प्रभाव अंतर्मुख में वो भगवान बन गए। इसीलिए भारत का नाम भरत से भारत बना है। हम कैसे जीवन जिया करना है, भरत जैसा जीवन जिया करना, घर में रहकर भी संसार में रहकर भी हम भी संस्कार नहीं होना चाहिए। कमलवत, कमलवत जीवन जिया करो। कमल बोलते लोटस, कीचड़ में आते हैं पानी में आते हैं, कीचड़ में रहकर भी पानी में रहकर भी कीचड़ से पानी से भिन्न रहते हैं, ऐसे संसार में रहकर भी अब संसार से भिन्न रहने की पुरुषार्थ करें, ये आत्मकल्याण का सर्वोत्कृष्ट मार्ग बन सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न पूछता हूं, तीर्थंकर मां को 16 ही स्वप्न का पढ़ते हैं, तीर्थंकर मां को 16 ही स्वप्न का पढ़ते हैं, 17 क्यों नहीं पढ़ा, 15 क्यों नहीं पढ़ा, आप चिंतन किया है, बोलो तीर्थंकर माता ने, मैं पूछ रहा हूं प्रश्न सुनो, तीर्थंकर माता को
सोलह ही स्वप्न का पढ़ते तीर्थंकर माता क्यों आते क्यों पढ़ते हैं पंद्रह सत्रह क्यों नहीं पढ़े प्रयास करो नहीं बोलो एकदम इजी है वो बोल रहे थे परंतु थोड़ा गड़बड़ के सोलह कारण भावना भाग्य जो जीव कीर्तनकर प्रकृति का बंध किया है वो जीव उसके गर्भ में आने वाले हैं इसीलिए उस माँ को सोना ही समझ लिया एकदम इजी है ना पकड़ लो नोट कर लो जो जीव सोलह कारण भावना भाग्य तीर्थंकर प्रकृति का दंड कर लिया है वो जीव उसके गर्भ में आने वाले हैं इसका सूचना हेतु माँ को सोलह ही स्वप्न पढ़ते हैं या हाँ सुनो सुनो एंड करता हूं प्रवचन का शुरू हुआ था दूध दही चांच मक्खन घी बराबर है ना हाँ घी किधर है मीठ किधर घी किधर है दूध में हाँ बेटा बच्चा दूध में दही में भी है चांच में है और मक्खन डायरेक्ट तो मिलते क्या दूध से दही से चांच से लोनी से लोनी क्या बोलते आप मक्खन से मिलते हैं ऐसे मनुष्य गति में ही बाकी तीन गति में डायरेक्ट मोक्ष सुनो मक्खन से कैसे डायरेक्ट घी मिलते हैं ऐसे मनुष्य गति मोक्ष डायरेक्ट मिलते हैं श्रेष्ठ गति 84 लाख योनि में मनुष्य योनि इसीलिए श्रेष्ठ है डायरेक्ट मनुष्य से हम शुद्ध बन सकते हैं सच है अब बताओ घी अगर घी को लेके आप मक्खन में मिलाओ घी को लेके आप चांच में मिलाओ घी को लेके आप दही में मिलाओ नहीं मिलेंगे अगर घी लेके दूध में मिलाया तो क्यों उसमें आया ना उससे भी आए उसमें से ही आए हैं फिर भी वापस उसमें सच है किस किस में मानते हैं सच सभी मानते हैं हाँ अब से ऐसे संकल्प करो एक बार आत्मा परमात्मा बन गए एक बार आत्मा शुद्ध बन गए परिशुद्ध बन गए और फिर कभी संसार में नहीं आए गए शुद्धा तो पक्का हो गए किसी ने पूछा ऐसे राम लक्ष्मण अजय आ गए कभी नहीं राम का आत्मा ही अलग है कृष्ण का आत्मा ही अलग है राम तो मनुष्य के तीर्थंकर काल में हुए और बलभद्र के मोक्ष में कृष्ण तो मेघनाथ के तीर्थंकर तीर्थ काल में हुए भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं आत्मा अलग अलग है और जो लोग बताते हैं बहुत बहुत अज्ञान से बताते हैं इसलिए उसको कहना चाहिए कि अगर दूध में दही में चांच में मक्खन में मिल गया तो हम मानते हैं नहीं तो हम कभी एक कालत्रय में कभी नहीं तोड़ नहीं सकता इसलिए धर्म जीवन में अपनाओ सभी के जीवन में किसी तो किसी कष्ट है ही रहे वो कष्ट का दुख का कारण कर्म है अगर कर्म का हम नाश करने के लिए प्रयास किया तो आपका दुख भी सहज मिट जाएगा अगर दुख को मिटना है तो पहले क्या करना पड़ेगा अच्छे कर्म पढ़ना करना पड़ेगा सभी के जीवन में सभी के संसार में सभी के शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं संसार में अनेक प्रकार के चिंता है अशांति भी है इसके लिए हम अभी आपको मंत्र देते हैं सुनो मंत्र बहुत काम करते हैं मंत्र न्यास से ही
मंदिर में मूर्ति भगवान बनते हैं। अगर हम अंतर्यास नहीं किया, अगर सुवर्ण का सोने का भी मूर्ति हो तो पूजनीय नहीं बनता। सूर्य मंत्र करने के बाद, नैनम संस्कार करने के बाद, अंगन्यास करने के बाद ही पत्थर पाषाण ही पाषाण बनता है। ऐसे मंत्र संस्कार बहुत जरूरी है। पांच प्रकार स्नान में मंत्र स्नान भी कहा है। पांच प्रकार स्नान है, जल स्नान, मंत्र स्नान, जप स्नान, तप स्नान और शील स्नान। उसमें मंत्र भी काम करते हैं। इसीलिए सर्व मंत्र में श्रेष्ठ मंत्र तो नमोकार है ही। नमोकार मंत्र से ही 84 लाख मंत्र का उत्पत्ति होते हैं। हम कौन सा ही मंत्र दे, उसका मूल तो नमोकार ही रहता है। श्रद्धा से करो, आपका जीवन धन्य करो। अगर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ऐसे भाव रखते तो सभी स्वास्थ्य के लिए। ओम ह्रीम अर्हम नम सकल रोग हराय श्री सन्मति देवाय नमो नमः। ये जाप करने का सकल व्याधि के लिए। ओम ह्रीम अर्हम नम सकल रोग हराय श्री सन्मति देवाय नमो नमः। ये जाप करना चाहिए। समझ गया? सकल व्याधि, कौन सा व्याधि हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, इसके लिए ओम ह्रीम अर्हम मम सकल रोग हराय श्री सन्मति देवाय नमो नमः। और एक जाप देता हूं, घर में शांति बनाने के लिए, सभी शांति सुख से रहना ऐसे भाव हो तो एक काम कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन परिवार में कितने सदस्य लोग मेंबर्स हैं, सभी लोग एक 48 मिनट समय निकालो और एक कोने में, एक जो रूम रहते हैं, एक रूम में सब वस्तु हटा के साफ करो। उस रूम में एक वृत्त का दीपक लगा के उच्च स्थान में रखकर सभी सदस्य मिलके 48 मिनट अखंड नमोकार मंत्र का जाप करो। उस एरिया में पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण निर्माण होगा। जो जो मन में आपका, आपके बारे में जो जो ईर्ष्या भाव है वही मिट जाएगा। सप्ताह में एक कोने में दूसरे कोने और सप्ताह ऐसा एक एक सप्ताह एक एक बार, जो एक बार आप रविवार पकड़ो तो दूसरे बार में आप सभी घर में एक ही तरह उस समय वो कर सकते हैं। एकदम अच्छे काम होते हैं, एकदम मानसिक में शांति मिलते हैं और आपके जो ईर्ष्या भाव है सब मिट जाते हैं। इसके साथ अगर घर में शांति रहना चाहे, मन को शांति मिलना चाहे ऐसे चाहे तो विश्व शांति के लिए, मन की शांति के लिए ओम ह्रीम अर्हम असी आवृषा। ओम ह्रीम अर्हम असी आवृषा मंगलोत्तम शरण भूत जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हम असी आ मंगलोत्तम शरण भूत जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। हे जाप करो, समझ लिया? मां ओम ह्रीम अर्हम असी आ मंगलोत्तम शरण भूत जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। अगर इष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए मन में इच्छा है, वो इच्छा होना चाहिए, इसको भाव शुद्धि से करो। हाँ, भाव शुद्धि से नहीं करते गुरुदेव ने कहा हमारा काम नहीं हुआ। देखो पुण्य भी चाहिए, मंत्र तो पाप का प्रक्षालन करता है। जप मीन्स जन्म जरा मृत्यु नाशक, प मीन्स पाप प्रक्षालक। जा जो कार्य करने के बाद जन्म जरा मृत्यु नाश हो सकते हैं, पाप का नाश हो सकते हैं, उसको जप कहा है। जप में तीन प्रकार का है, वाचना, वाचिक, उपासो और मानसिक। वाचिक मीन्स दूसरे लोगों को सुनना पड़े से स्पष्ट उच्चार करने का। उपास मीन्स जीव चलते हैं परंतु क्या बोल रहे हैं नहीं समझते, उसको
उपास करते हैं, तीसरा स्टेप है भगवान जैसा बैठने का, मन में करने का, शुद्ध से मानसिक जप होते हैं। ऐसे तीन प्रकार जप आगे भी कहा है, सुन लिया? इसलिए मन से करो, दिल से करो, भाव शुद्धि से करो, फल मिलता है, नियम से मिलेगा। इसलिए इष्ट वस्तु अर्थात इच्छा प्राप्ति के लिए ओम ह्रीम डंगर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम डंगर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम डंगर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और सर्व कार्य सिद्धि के लिए, सर्व कार्य सिद्धि के लिए, हाँ लिख सकते हैं, थोड़ा पढ़ा है। ओम प्रेम भद्रगिरि के बड़े बाबा विश्व स्वरूपी अतिशयकारी सर्व ग्रह दोष निवारक सर्व कार्य सिद्धिदायक कल पृक्ष काम देव रूप श्री अर्ध आदि निरेश्वर जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। रिकॉर्ड हो रहे हैं, बाद में आप लिख सकते हैं। ओम ह्रीम भद्रगिरि के बड़े बाबा विश्व स्वरूपी अतिशयकारी सर्व ग्रह दोष निवारक सर्व कार्य सिद्धिदायक कल पृक्ष काम देव रूप श्री अर्ध आदि निरेश्वर जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो के गलती हो गया तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रायश्चित के लिए जब का आगम में आपके इसी निमित्त से दोष करे, प्रायश्चित तो कुछ त्याग करो, उसके साथ जापे करो, उसके लिए सर्व दोष प्रायश्चित जप कहा है। उसका नाम क्या है? सर्व दोष प्रायश्चित जप। ओम ह्रीम अरहम सी आऊसा अहिंसा महाव्रतादी। सुन रहे हैं? रिकॉर्ड कर लो, बाद में लिख लो, मुझे मालूम है आप ऐसे फास्ट नहीं लिख सकते। ओम ह्रीम अरहम सी आऊसा अहिंसा महाव्रतादी पाप पदार्थ अहिंसा महाव्रतादी पाप पदार्थ त्रय त्रिउश गत्या त्रय त्रिउश गत्या साधना त्यागायानुष्ठित क्रोश दोधोतनाय नमो नमः। आप बोल रहे इतने गजब का मंत्र के बोले, आप कैसे पढ़ेंगे? आपको हाँ अगर प्रक्षालन करना है तो करना पड़ेगा। हाँ बोले तो करने के बाद ही पेट भरेगा। भोजन आप नहीं किया, पेट कैसे भरेंगे? हाँ पानी लाना पड़ेगा, आटा बनाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, बहुत कुछ कुछ करने के बाद ही पेट भर सकता है। से पुण्य लगाना और पाप का प्रचार करना है तो करना है, इसलिए सर्व पैसे जपना है। ओम ह्रीम अरहम असि अहुसा अहिंसा महाव्रतादि पाप पदार्थ साधना त्यागाय नमो नमः। ये जाप करने का दोष से मुक्त होने का, आप मन से जो दोष कहते गुरु से ले लो। जब आपके सामने गुरु ने मन से प्रभु के सानिध्य जिनवाने के साक्षी मानकर हम ले सकते हैं, उसके पाप का प्रक्षालन हो। जय गुरु अहिंसा परमा धर्म की। अभी नए पार्टी वाले लोग हर दिन बाड़ी के बड़े बाबा अक्षयकारी श्री आदिनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। ओम प्रेम बाड़ी के बड़े बाबा अक्षयकारी आदिनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। ये जाप किया करो बाड़ी वाले तो कंपल्सरी करो, हर दिन एक माला तो। और किस किस घर में कुछ कुछ कर रहे हैं ये सब निकालने के लिए मैंने कल से ध्यान लगाया, चिंतन कराया, उसके बारे में सोचा।
अगर 3 साल में आपका गांव का नाम इतने बड़ा हो जाएगा, अभी बड़े वाले बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा को कैसे इस एमपी में जानते हैं, ऐसे आपके गांव के बाबा को दुनिया जानेंगे। संकल्प करो 3 साल के अंदर वो मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करो, मंदिर में जो जो त्रुटि है हम नोट करके आपको देते हैं, थोड़ा सुधार करो, आपके गांव में सब सोना सोना हो जाएगा, आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। बहुत बढ़िया गजब का प्रतिमा है, अक्षय का एक प्रतिमा है, हम मुंह से एक एक दो दो शब्द में नहीं बता सकते, भगवान के आगे बैठ के जो मन में संकल्प करके आप ध्यान करेंगे तो आपका इच्छा नियम से पूर्ण हो जाएंगे। बढ़िया प्रतिमा है, अभी प्रतिमा को हम तुरंग में क्या बोलते हैं जेल में डाल के रखा हुआ ऐसा लग रहे हैं, पहले भगवान को मुक्त करो, आप भी मुक्त हो जाएंगे। कुंडलपुर में क्या किया आचार्य भगवान, कुंडलपुर में ऐसे थे भगवान को तुरंग में डाला था जेल में कैदी बना के, आचार्य भगवान ऐसे काम किया और मूर्ति आगरा के भव्य मंदिर भारत वर्ष में ऐतिहासिक मंदिर विशाल वेदी बना के सबके दर्शन के लिए मुक्त हो, समोषण जैसा लगे और भगवान का शांति धारा, जिस जिस घर में अशांति है उन्होंने जाके शांति धारा करने शुरू करो, आपके घर में अशांति मिट जाएगा, नियम से सुख शांति समृद्धि मिल जाएंगे। बहुत अच्छे कार्य प्रतिमा है, इसलिए जो करना है आप कमिटी लोग आचार्य से निवेदन करके परमिशन ले लो, आचार्य के जो मार्गदर्शन में अच्छी तरह वो बनाओ। अभी एमपी में एकदम मुझे आनंद आ गए, बहुत बहुत गांव में हम घूम आया, परंतु सभी गांव में मानस अभिधर नहीं मिलते, परंतु आपके प्राचीन मंदिर जो अतिशय का एक प्रतिमा है उसके आगे घर में मानस मंदिर निर्माण हो रहा है, तो सबसे होता है मंदिर का अर्थ भगवान के लिए मंदिर नहीं, भगवान तो शुद्ध शिला में शुद्ध होकर बैठे हैं, हमारे के लिए मंदिर है, हमारे कल्याण के लिए मंदिर है, ऐसे मंदिर बच्चन का में समय शरण का प्रतीक माना जाता है। अगर आप एक बार प्राचीन मंदिर तो 3 प्रदक्षिणा डाल के दर्शन लिया तो समय शरण दर्शन का फल सहज मिलते हैं, ऐसे भाव रख के पूजन अर्चना करो या करो तुम तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सिद्धांत शास्त्र की धर्म की एकदम मजबूत निराज की।